कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज की कविता है नींबू मांग कर। इसे लिखा है चंद्रकांत देवताले ने। आइए सुनते हैं यह कविता मौलश्री कुलकर्णी की आवाज में। बेहद कोफ्त होती है इन दिनों इस कॉलोनी में रहते हुए, जहां हर कोई एक दूसरे को जासूस कुत्ते की तरह सूंघता है। अपने अपने घरों में बैठे लोग वहीं से कभी कभार टेलीफोन के ज़रिए अड़ोस पड़ोस की तलाशी लेते रहते हैं, पर चेहरे पर एक मुस्कान चिपकी रहती है जो एक दूसरे को कह देती है, हम स्वस्थ हैं और सानंद, और ये भी कि तुम्हें पहचानते हैं, खुश रहो। यहाँ तक भी ठीक है, पर अजीब लगता है कि घरू ज़रूरतों के मामले में सब के सब आत्मनिर्भर और बढ़िया प्रबंधक हो गए हैं। पुरानी बस्ती में कोई दिन नहीं जाता था कि बड़ी फजर की कुंडी नहीं खटखटाई जाती और कोई बच्चा हाथ में कटोरी लिए नहीं कहता, बुआ माँ ने चाय पत्ती मंगाई है। किसी के यहाँ आटा खुट जाता और कभी ऐन छौंक से पहले प्याज लहसुन या अदरक की गांठ की मांग होती, होने पर बराबर दी जाती चाहे कुड़ते बड़बड़ करते हुए, पर ये कुढ़न दूसरे या तीसरे दिन ही आत्मीय आवाज़ में बदल जाती जब जाना पड़ता कहते हुए, भाभी देख थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ दूध और फिर आ गए हैं चाय पीने वाले। रोज़मर्रा की ऐसी मांगा टूंगी की फेहरिस्त में और भी कई चीज़ें शामिल रहती, जैसे तुलसी के पत्ते या कढ़ी नीम, बेसन बड़े भगोने, बाम की शीशी और वक्त पड़ने पर 10-20 रुपए भी, और इनके साथ ही आपसी सुख दुख भी बढ़ता रहता जो इस पृथ्वी का दिया होता प्राकृतिक और दुनिया के हथियारों का भी। पर इस कॉलोनी में लगता है सभी घरों में अपने अपने बाज़ार हैं और बैंकें भी, पर नींबू शायद ही मिले। हाँ, नींबू एक सुबह मैं इसी को मांगने 2-3 घर गया। पद्मा जी, निर्मला जी, आशा जी के घर तो होने ही थे नींबू, क्योंकि इसके पेड़ भी हैं उनके यहाँ, पर हर जगह से नहीं है का टका सा जवाब मिला। मैंने फ़ोन भी किए, दीपा जी ने तो यहाँ तक कह दिया, क्यों मांगते हैं आप मुझसे नींबू? मैं क्या जवाब देता, बुदबुदाया, इतने घर और एक नींबू तक नहीं। उज्जैन फ़ोन लगाकर कमा को बताया ये वाकया, वहीं से वो बड़बड़ाई, वहाँ मांगा देही का रिवाज नहीं, समझाया था पहले ही, फिर भी तुम बाज नहीं आए आदत से अपनी। वहाँ इंदौर में नींबू मांगकर तुमने यहाँ उज्जैन में मेरी नाक कटवा ही दी। हंसी आई मुझे अपनी नाक पर हाथ फेरते, जो कायम मुकम्मल थी और साबुत भी। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहाँ भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहाँ अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की यह प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।